माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया ब्रदर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने 3 नहीं कुल 5 शूटर्स पहुंचे थे। 15 अप्रैल को रात 10:30 बजे सरेआम अतीक और अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में गोली मार दी गई थी। हत्याकांड के बाद गोली मारने वाले तीनों शूटर्स ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। शूटर्स का दावा था कि उनका ना तो कोई आका था ना कोई मददगार, लेकिन हफ्ते भर की जांच के बाद पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि तीनों शूटर्स के अलावा मौकाए वारदात यानी काल्पिन अस्पताल के बाहर 2 और लोग मौजूद थे जो अतीक और अशरफ को लेकर आ रही पुलिस टीम के मूवमेंट की जानकारी शूटरों के साथ साझा कर रहे थे। अब पुलिस की जांच काल्पिन अस्पताल से 50 कदम की दूरी पर लगे 3 मोबाइल टावर पर फोकस हो गई है। मोबाइल टावर्स के सहारे ही पुलिस शूटरों के मददगारों की तलाश कर रही है। एक एक मोबाइल नंबर की पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो एक एक मोबाइल नंबर हैं वो किनके थे, कहां के रहने वाले हैं, यहां कितनी देर तक थे, किस मकसद से थे। पुलिस अब मोबाइल टावर के डेटा के सहारे शूटरों के मददगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड का असल आका कौन है। उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही पुलिस 50,000 की नामी शायस्ता को लगातार तलाश रही है, लेकिन अतीक हत्याकांड के बाद शायस्ता के अलावा रडार पर परिवार की कुछ और महिलाएं भी आ चुकी हैं। अतीक की पत्नी शायस्ता की तलाश पुलिस सितर से कर रही है, लेकिन पुलिस की रडार पर पूरी लेडी गैंग आ चुकी है। पुलिस अतीक अहमद के परिवार की 5 महिलाओं की खोज कर रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने शायस्ता परवीन के साथ ही उसकी देवरानी यानी अशरफ की पत्नी जैनब और रूबी को भी आरोपी बनाया है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां भी आरोपी बनाई गई है। आयशा नूरी की 2 बेटियों को भी आरोपी बनाया गया है। आयशा नूरी की बेटी अतीक अहमद की बेटे असद की मंगेतर थी। पिछले साल ही दोनों का रिश्ता तय हुआ था। आयशा नूरी और दोनों बेटियों पर 5,00,000 रुपए इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। इधर उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने असद अहमद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालना शुरू किया तो शेरे अतीक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप मिला। इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन अतीक का बेटा असद था जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था। शेरे अतीक ग्रुप में 200 मेंबर जुड़े थे। पुलिस को शक है कि शेरे अतीक ग्रुप के मेंबर्स का उमेश पाल मर्डर से कनेक्शन है। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड से पहले नवंबर महीने में ही ग्रुप बंद हो चुका था। जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अशरफ हत्याकांड दोनों पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि प्रदेश का माहौल अब माफिया के लिए मुफीद नहीं। मौका था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन का, जिसके उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश माफिया के गठजोड़ नहीं बल्कि महोत्सव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। 6 सालों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। संक्रमण के दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि वैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा। आजमगढ़ जनपद का हवाला देते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर दावा किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए नजीर बनी है। आज प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आज वहां कोई भय नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। कानून व्यवस्था के साथ साथ सीएम योगी ने सिस्टम की पारदर्शिता का भी जिक्र किया और कहा कि अब सरकारी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, जबकि इससे पहले भाई भतीजावाद और जातिवाद हावी था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।